हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। न्यू आकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एसएससी अपने पुराने फॉर्म में आ चुकी है और लगातार नोटिफिकेशंस निकल रहे हैं और इसके बाद उसका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया है, क्योंकि एसएससी ने अपना विधिवत कैलेंडर जारी कर दिया है जिसके उपलक्ष्य में हम सीजीएल का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप हो चुका है और सीएचएसएल का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आज हम आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे तैयारी करके आप किन किन फेज से गुजर के एक नौकरी पा जाते हैं। इसके बाद एसएससी जितने भी एग्जाम करवाती है सारे के डिटेल आपको हम लगातार रोज रोज करके एक एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे और उसके बाद आप एसएससी के बारे में विधिवत जान जाएंगे कि एसएससी कौन कौन सा एग्जाम करवाती है और उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर ये सारी क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तो आप उसके फॉर्म को अप्लाई करिए और विधिवत तैयारी करिए। पूरी न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप एक जॉब 2022 के अंदर अंदर ले रहे हैं, ये हम मान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, बहुत सुंदर सा नाम है, इसको हिंदी में कहते हैं कर्मचारी आयोग। एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यहां पे लिखा गया है एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये होता है सीएचएसएल का फुल फॉर्म। और यहां पे लिखा गया है फिर एसएससी सीएचएसएल ऑनलाइन फॉर्म 2022, यानी कि 2022 में एसएससी सीएचएसएल का जो फॉर्म है उसकी डिटेल यहाँ पे कुछ लिखी गई है। आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेशन बिगिन 1/2/2022, 1 फरवरी से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है जो कि अभी तक सुचारू रूप से चल रहा है। अगर आप नहीं भरे हैं तो हम सारा डिटेल आपको बता रहे हैं और इसके बाद आप इसके फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। हम इसके सिलेबस को आपको बताएंगे, पूरी डिटेल कैसे कैसे इसमें लास्ट स्टेज तक आप पहुंचते हैं सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने इस न्यू आकार के परिवार को थोड़ा बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए। तो आपको फिर दिख रहा होगा कि लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 7/3/2022, 7 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन होना है। ऑनलाइन पेमेंट 8/3/2022 तक आप कर सकते हैं, यानी कि 8 मार्च तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती कर देते हैं तो उसके लिए करेक्शन डेट यहां पे लिखा हुआ है 11/15/2022। अगर आपके फॉर्म फिलअप होने में कोई गड़बड़ी हो गई है तो आप उसके लिए चिंता ना करें। अब एसएससी अब की बार से पहली बार करेक्शन करने की भी लिंक प्रोवाइड करवा रही है, जैसा कि सीजीएल के फॉर्म में प्रोवाइड करवाई है। और यहां पर भी लिख दिया गया है कि करेक्शन का जो डेट होगा वो 11/15/2022 होगा। और ऑनलाइन एग्जाम डेट पेपर 1, जो टीयर 1 होगा, उसके ऑनलाइन एग्जाम डेट भी यहां पे एक्सपेक्टेड लिख दिए गए हैं कि मई 2022 में आपका एग्जाम होने चल रहा है और अप्रैल 2022 में आपका सीजीएल का एग्जाम होने चल रहा है। और पेपर 2 जो है, यानी कि इसका जो टीयर 2 है उसकी डेट जो है वो नोटिफाइड सून। जब टीयर 1 कंप्लीट हो जाता है और आप अच्छे नंबरों से उसको पास करते हैं तो टीयर 2 में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उसके लिए एग्जाम डेट जो निकलेगी वो नोटिफाइड सून यहां पे लिखा गया है। और एप्लीकेशन की अगर हम फीस की बात कर लें तो यदि आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको मात्र 100 रुपये देना पड़ता है और अगर आप एक महिला हैं तो आपको कुछ नहीं देना पड़ता। एसएससी महिलाओं से पैसा नहीं लेती है। अगर आप महिला हैं तो फ्री में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप कृपया अप्लाई कीजिए। कुछ भी हो, अगर आप इसकी तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल इंग्लिश इसमें अलग से ऐड हो जाता है। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसको ज़्यादा ना सोचते हुए आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए और एक परीक्षा इसको आप दीजिए। तो आगे हम देख लें तो SC ST और PH कैंडिडेट के लिए फीस निल है, यानी कि शून्य लगेगा, कोई फीस नहीं लगनी है। और आल कैटेगरी फीमेल, इनको भी कोई फीस नहीं देना होता है। करेक्शन चार्ज फर्स्ट टाइम 200, अगर आप करेक्शन करते हैं तो उसके लिए चार्ज आपको देना पड़ता है 200 रुपये। करेक्शन चार्ज सेकंड टाइम 500 रुपये। अगर आप एक बार करेक्शन किए फिर भी नहीं कर पाए, अब इतना कैसे आप गलतियां कर दे रहे हैं कि करेक्शन में भी गलती कर रहे हैं। एक तो गलती करने के बाद आप करेक्शन करते हैं
और उस करेक्शन में भी गलती करते हैं तो इसके लिए वो 300 रुपये बढ़ जाएगा और 500 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। तो ज़्यादा गलतियां ना करें और कोशिश करें कि पहली बार में ही अपना फॉर्म एकदम सही भरें, बिना मतलब का पैसा देने का क्या मतलब है। तो जो फीस का पेमेंट मेथड होगा वो पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फी मोड ओनली। आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि एज लिमिट क्या होगी, उम्र सीमा क्या है CHSL के लिए। SSC CHSL रिक्रूटमेंट 2021 एज लिमिट एज ऑन 1/1/2022। आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी और मिनिमम एज इसके लिए 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज इसके लिए 27 वर्ष होना चाहिए। यानी कि इनके अनुसार जो एस्पिरेंट 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच में आ रहा होगा वही इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा एज पर SSC इंटर लेवल रिक्रूटमेंट रूल, जो इनका रूल होता है SSC का, जितनी भी रिलैक्सेशन मिलती है और वो इस 18 से 27 क्राइटेरिया के बाद रिलैक्सेशन प्रोवाइड होगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाणी के बजाय कार्य से दिए गए उदाहरण कहीं ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो आप ज़्यादा ना बोलते हुए अपने काम पर फोकस करें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी शोर नहीं तहलका मचा दे। तो आइए इसके सिलेबस पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है SSC CHSL 2021 वैकेंसी पोस्ट डिटेल। पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो इसमें जो पोस्ट का इसका नाम होता है, एक होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में LDC, और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA, और इसमें होता है पोस्टल असिस्टेंट PA, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, इसका नाम ही है SSC 10+2 CHSL, यानी कि आपको एक इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए। पास्ड अपेयरिंग 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 10+2 होना अनिवार्य है। तो आइए आगे देखते हैं SSC CHSL एग्जाम पैटर्न 2022। अब हम देखेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। SSC का CGL, CHSL और MTS। SSC इस तीन प्रकार के एग्जाम के टीयर वन का सिलेबस सेम रखती है, जैसे कि SSC MTS है, CHSL है और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है। एक अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप CGL भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप MTS अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इंटरमीडिएट केवल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 10+2 को। तो यहाँ पर देयर आर 3 stages ऑफ सिलेक्शन इन द SSC CHSL एग्जाम। यहाँ पे आपको CHSL एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 stages से गुजरना होता है। पहला होता है Tier 1, दूसरा होता है Tier 2, तीसरा होता है Tier 3। अब Tier 1 SSC CHSL Tier 1 एग्जाम पैटर्न, अगर Tier 1 आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो Tier 1 होना है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। ये ना केवल SSC CHSL का पैटर्न है, बल्कि आप CGL में भी इसी पैटर्न पे पेपर देंगे और MTS में भी इसी पैटर्न पे पेपर देंगे। CPO SI का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन पूछा जाता है 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल, इसको गणित कहते हैं, ये भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है 50 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज मतलब हाई स्कूल स्तर की इंग्लिश ग्रामर जो होता है वो आपको विधिवत रट लेना है, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक नॉलेज लिखा गया है इसमें, मतलब बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, 25 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है 50 नंबर का। टोटल हमारे हो जाते हैं 100 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स हमारे हो जाते हैं 200 मार्क्स, और इसके लिए हमको प्रोवाइड होता है 60 मिनट और 80 मिनट दिया जाता है PWD कैंडिडेट के लिए, और इसमें 0.5 माइनस मार्किंग होती है, 0.5 माइनस मार्किंग, मतलब 2 नंबर में 0.5 माइनस मार्किंग का आशय है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। खतरा सावधान, आप बिना मतलब के प्रश्नों पर टिक ना लगाइएगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, आपको उन्हीं प्रश्नों को टच करना है जिन प्रश्नों
पे आपका एकदम पकड़ मजबूत हो और आप उसको कम समय में अतिशीघ्र हल कर पाए, क्योंकि समय सीमा प्रतिबंधित है, 60 मिनट ही आपको दिए जाते हैं और 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब SSC CHSL पैटर्न फॉर टीयर 2, जब आप टीयर 1 कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जाते हैं टीयर 2 में। तो टीयर 2 में जब आप प्रवेश करते हैं तो दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, यह एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इट कंप्रोमाइज ऑफ अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स, यह 100 अंकों का पेपर होता है। इट इज कंडक्टेड ऑफलाइन इन पेन एंड पेपर मोड, यह आपको ऑफलाइन पेन और पेपर मोड पे कंडक्ट करवाया जाता है। कैंडिडेट्स हैव टू राइट दिस पेपर आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, इस पेपर को आपका मन करे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, आपका मन करे तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी उनको लगता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है। तो आप अगर टीयर 1 क्रॉस कर लेते हैं तो आप इंग्लिश को स्किप करके इसके लेटर वाले जो राइटिंग आएगा उसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 1 आवर, 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। यहां पे आप देख लीजिए एसे राइटिंग, और ये होगा पूरा 100 नंबर का, इसके लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटे, यानी कि टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आप अगर सौभाग्यशाली हुए टीयर 3 में प्रवेश करने के लिए, तो अब आप एक नौकरी के बेहद करीब हैं। जब आप टीयर 3 में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट टायर 3 का प्रारूप होता है। इसमें यहाँ पे लिखा गया है, आप देख लीजिएगा, यह परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की होगी। टायर 1 और टायर 2 में उत्तीर्ण रहे उम्मीदवार ही इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट और शेष पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट देना होता है। अगर आप DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना होता है, बाकी सभी शेष पदों के लिए आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए कंप्यूटर पर डाटा एंट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे होनी चाहिए। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए कंप्यूटर पर जब आप डाटा एंट्री करवाया जाएगा आपसे, तो वहां पे आपकी स्पीड 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश या हिंदी में देना होगा। इंग्लिश माध्यम के लिए उम्मीदवारों को इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी, और हिंदी माध्यम के लिए हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी। और अंतिम चयन सूची टायर 1 और टीयर 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, और उसके बाद आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर देंगे। अगर इतना चीज क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो फिर आप SSC में एक जॉब पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि CHSL के बारे में आपको सारी जानकारी अब प्राप्त हो गई होगी, और आप इस एग्जाम के लिए अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, अभी तक नहीं किए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। क्लासेज आपको इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगी, प्रत्येक सब्जेक्ट प्रोवाइड होगा, आप विधिवत नोट्स बना के पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, पढ़ते रहिए, लगे रहिए। जय हिंद।